हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम फायरवॉल की कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं, और क्या कॉन्फ़िगरेशंस हम करेंगे तो बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक टूल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उसका नाम है ईव। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लास्ट वीडियो मैंने इसी के ऊपर बताया था कैसे आप लोग उसको सेटअप कर सकते हो। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख के आप लोग इस टूल का सेटअप कर सकते हो जिसका नाम है ईव, ईवी। ठीक है, मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ और ये VMware के ऊपर ओपन होगा, देन इसे मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा लॉन्च होने में टाइम लेगा तो इसे लॉन्च होने देता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये अभी लोड हो रहा है, तो जैसे इसका लोडिंग प्रोसेस होगा तो ये लॉन्च हो गया है, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमें एक IP दे देगा और वो आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाके उस IP को सर्च करोगे तो देन आप लोग इसका एक्सेस कर लोगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 192.168.1.3 ये IP है। अब मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे मैं उस IP को सर्च कर लेता हूँ। IP क्या था, 192.168.1.3, इधर एंटर कर देता हूँ। जैसे ही IP एड्रेस डाल के आप लोग एंटर करोगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूजर नेम की जगह एडमिन आप लोगों ने टाइप करना है और पासवर्ड ईव, EVE, ठीक है, देन एंटर कर देना। जैसे आप लोग एंटर करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का सिमुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये इसका इंटरफेस है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिवाइसेज आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे होंगे। और इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया भी है। तो मैं यहाँ पे राइट प्रेस करता हूँ, नोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं एक फायरवॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ASA फायरवॉल एक सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक फायरवॉल सेलेक्ट हो चुका है। और मैं तीन राउटर्स ले लेता हूँ, अगेन राइट प्रेस करके मैं सिस्को IOL के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे राउटर कितने ले लेता हूँ, 3। और मैं ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे जितने भी आप लोग बढ़ाना चाहते हो उतने कर सकते हो, जैसे मान लो 2 कर देता हूँ मैं, और मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरे पास तीन राउटर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, और एक राउटर मैं साइड में ले लेता हूँ, एक राउटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और एक राउटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो एक कनेक्शन के लिए केबल का ऑप्शन देगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग सर्वर के साथ कनेक्ट कर देना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर अगेन इस सर्वर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस राउटर के साथ। जैसे जैसे स्टेप आप लोगों को बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने फॉलो करना है, बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम करने वाले क्या हैं, हम IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो राउटर के ऊपर हम करते हैं। थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर अलग है फायरवॉल के ऊपर, तो क्या अलग है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे आप लोग IP एड्रेस डालते हो राउटर टू राउटर, देन कनेक्टिविटी चेक कर दो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, लेकिन फायरवॉल के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ अलग आप लोगों को करना पड़ता है, क्या अलग करना पड़ता है वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, लेकिन बस आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और मैं यहाँ पे IP एड्रेस से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे राइट प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर जाना है और मैं IP एड्रेस ले लेता हूँ 10.0.0.1 और मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस IP एड्रेस को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, डुप्लीकेट इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका भी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसका भी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन मिलता है आप लोगों को। जैसे जैसे इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो हमें ऑप्शन मिलता है एज ए नोट पैड, तो यहाँ पे नहीं होता, बस आप लोग यहाँ पे डुप्लीकेट बना के से यूज कर सकते हैं। और अभी सेम IP एड्रेस नहीं ले रहा हूँ मैं, अभी चेंज करूंगा इनको। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा 10.10.1 मैंने ले लिया है हर जगह, ऐसा नहीं है। देन ये लेने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने 10.1 लिया, अब मैं इनको चेंज कर देता हूँ 10.1 यहाँ पे और 10.2 में यहाँ पे ले लेता हूँ 10.2, और यहाँ पे कोई और नेटवर्क मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 20 ले लेता हूँ और यहाँ पे 20.2 ले लेता हूँ 20.2, यहाँ पे ले लेता हूँ 30 का नेटवर्क 30.1 और यहाँ पे 30.2 ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, IP एड्रेसेस इनके ऊपर कॉन्फिगर कर देते हैं, देन आप लोगों को मैं कनेक्टिविटी बना के दिखाता हूँ। अब इनका CLI एक्सेस लेना है तो आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, राइट प्रेस करना है इनके ऊपर डिवाइस के ऊपर ले जाके और स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपका डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ इस टाइप का आपको ब्लू ब्लू यहाँ पे दिखाई देगा, तो इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। और राउटर के ऊपर भी जाना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, और अगेन मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूँ, राइट प्रेस करता हूँ, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर भी सेम चीज़। ठीक है,
और अब मैं इनका सीएलआई एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन इंटरनेट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो इसका सीएलआई आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये लोड हो रहा है, अभी से लोड होने देते हैं और ऐसे ही हम राउटर्स का सीएलआई एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं राउटर्स का भी सीएलआई एक्सेस ले लेता हूँ, इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ और राउटर के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, सीएलआई एक्सेस का भी आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर आप लोगों को दिखाई देता है। तो वुड यू लाइक टू दिस एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस या नो। तो हम किसका सिलेक्शन करते हैं, नो का सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो वाई हम नो का सिलेक्शन क्यों करते हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ रखा सीसीएन है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और नो चला देता हूँ और ऐसे ही मैंने फायरवॉल का सिलेक्शन किया था। ये मेरा फायरवॉल है जो लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये लोड होने में। एक्सेस आ चुका है हमारे पास फायरवॉल का भी। सेम एग्जैक्ट चीज़ जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर करते हैं या राउटर्स के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ऐसे ही सेम आप लोग एक्सेस ले सकते हो। और मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड आप लोगों ने यूज़ करना है। देन इसके बाद इंटरफेसेस, जो भी इंटरफेसेज हैं उनके ऊपर मैं एड्रेसेज एक बार असाइन कर देता हूँ। इंटरफेस इथरनेट सेम प्रोसेस 0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस। ठीक है, आप लोग राउटर के ऊपर क्या करते हो, 10.2.255.0.0 और नो शट। इसका मतलब आप लोगों का इंटरफेस स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी आप लोगों को बताऊंगा, पिंग करके भी दिखाऊंगा कि कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा। ईथरनेट 1 एंटर कर देता हूँ और आईपी एड्रेस यहाँ पे 20.0.0.1.255.0.0.0 नो शट डाउन और एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन इंटरफेस ईथरनेट इंटरफेस है यहाँ पे और 2 आईपी एड्रेस 30.0.0.1.255.0.0.0 ओके। ऐसे ही मैं राउटर के ऊपर कर देता हूँ, तो राउटर भी मेरा एक बार लोड हो रहा है और लोड हो चुका है राउटर। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर जाकर आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, Ethernet 0/0 IP address 10.0.0.1.255.0.0 ओके। अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 10.2 के ऊपर। तो भाई राउटर के ऊपर तो हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने आईपी एड्रेस से चेक करना हो तो आप लोग कैसे चेक करोगे। आईपी एड्रेस से चेक करने के लिए यहाँ पे कमांड, जैसे राउटर के ऊपर आप लोग चेक करते हो तो वहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड आप लोग यहाँ पे चलाते हो। और वो कहाँ पे चला के जाके चलाते हो, प्रिविलेज मोड के ऊपर। लेकिन आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर भी चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते थे हम, इंटरफेस ब्रीफ, लेकिन ये इस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप लोगों ने आईपी एड्रेस से चेक करने, तो उसके लिए कौन सी कमांड का यूज करोगे आप लोग, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ आप लोगों ने टाइप करना है, देन एंटर करोगे तो आप लोगों को दिखा देगा। ठीक है, मैं फायरवॉल के ऊपर हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईपी एड्रेस क्या दिखा रहा है, अनअसाइंड दिखा रहा है। मतलब आपका जो इंटरफेस है, जैसे आप नो शटडाउन कमांड चलाते हो तो आपका इंटरफेस वर्किंग स्टेट में नहीं आता है। दैट्स वाई ये क्या बता रहा है कि आपके इंटरफेसिस के ऊपर एड्रेसेज यहाँ पे नहीं है, मतलब आपका इंटरफेस अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो अब मैं इस राउटर से भी मैपिंग करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आपका पिंग नहीं होगा डिवाइस। राउटर से मैं पिंग करता हूँ किसके ऊपर, एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। पिंग, ये सारी चीज़ आप लोग ऑलरेडी पता होनी चाहिए जो पिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम सीसीएन के ऊपर बात कर चुके हैं। 10.2 के ऊपर मैं पिंग करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपका पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राउटर के ऊपर कुछ अलग चीज़ आपसे पूछेगा। पिंग यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फायरवॉल आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और चाहता है। तो वो क्या चीज़ आपसे चाहता है वो आप लोग अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सर्वर, मैं फायरवॉल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ रनिंग कॉन्फिग और इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस Ethernet 0, देन एंटर कर देता हूँ। तो अब आपका इंटरफेस ये वर्किंग स्टेट में नहीं आया, तो इसको वर्किंग स्टेट में लाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, नो नेम इफ, मतलब अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस दिखाई दे रहे हैं तो उनके ऊपर एक नाम आप लोगों को मैंशन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, तभी आपका इंटरफेस वर्किंग स्टेट में आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने एड्रेस डाला था, देखो यहाँ पे दिखा रहा है एड्रेस 10.2, 10.2 ही एड्रेस डाला था ना, और लेकिन ये कनेक्ट हो नहीं रहा है क्योंकि सेम लाइन के ऊपर है, तभी कनेक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग राउटर टू राउटर करवाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आप लोग आईपी एड्रेस डालते हो, आईपी एड्रेस नो शट डाउन करते हो और देन आप लोग पिंग करके देखना चाहते हो तो आपका कनेक्शन बन जाता है। लेकिन फायरवॉल के ऊपर ऐसा नहीं होता है। दो चीज़ें और चाहिए होती है उसके ऊपर, एक तो नेम इफ
और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी लेवल क्या है अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हम क्या कर देते हैं, नेम इफ यहाँ पे एक नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और आप लोग नाम जो भी यहाँ पे डालना चाहते हो आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हो, जैसे ए यहाँ पे डाल दो, बी यहाँ पे डाल दो, या सी यहाँ पे डाल दो, जो भी आप लोग डालना चाहते हो डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल देता हूँ फायरवॉल के ऊपर, और फायरवॉल के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे इंटरफेस रख करता हूँ, इंटरफेस इथरनेट और जीरो, और यहाँ पे नाम सेलेक्ट करने के लिए नेम इफ कमांड चलेगी, देन यहाँ पे जो भी नाम आप लोग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोगों का जो इंटरफेस था वो वर्किंग स्टेट में आ जाएगा, मतलब फायरवॉल का जो इंटरफेस था ये वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। अब मैं पिंग करता हूँ राउटर से, नेम इफ चलाया और नाम यहाँ पे इंटरफेस को दिया है मैंने, और अब मैं पिंग करता हूँ तो अब मेरा पिंग हो जाएगा। बस सिक्योरिटी मोड जो है अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा। पहले पिंग नहीं कर रहा था ना मैं, 10.2 के ऊपर ही मैं पिंग कर रहा था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो मैं 10.2 के ऊपर पिंग करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे आपका पिंग हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस रेट क्या दिखा रहा है, 80%। अगेन मैं पिंग करता हूँ तो 100% पिंग आ गया ना पिंग। तो ऐसे ही सभी इंटरफेसेस के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर आप लोग आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर देते हो, देन आप लोग कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, नेम इफ, मतलब जितने भी इंटरफेसेस हैं फायरवॉल के ऊपर उन सब के ऊपर नेम इफ, मतलब एक नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। वह इसकी जरूरत क्यों होती है, जैसे आप लोग एसीएल चलाते हो तो एसीएल के ऊपर आप लोगों ने नंबर डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोग इनबाउंड और आउटबाउंड पैकेट वहां पे सेट करते हैं। फायरवॉल के ऊपर आप लोगों को नंबर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो इंटरफेस के ऊपर आप लोगों ने नाम डाला है वो नाम आप लोग सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो दैट्स वाई आप लोगों से ये पूछता है भाई राउटर और फायरवॉल के बीच में डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस जो चीज़ें आप लोगों को पता लग रही है एज ए कॉन्फिगरेशन, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लेवल की बात करूँ तो सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि ये मेरा इनबाउंड पैकेट है, मैं यहाँ पे एक बार मैंशन कर देता हूँ, ठीक है, मैं ये मेरा क्या है इनबाउंड इनसाइड नेटवर्क इनसाइड, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है। ठीक है, तो मैं इसका डुप्लीकेट एक बार बना लेता हूँ, और ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है, एक बार एडिट कर देता हूँ। ठीक है, आउटसाइड, और ये मेरा इनसाइड नेटवर्क है, और ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क है, और ये मेरा डीएमजेड, मतलब एक जैसे मान लो एक मेरे लिए टस्टेबल है, मान लो ये मेरा 100% टस्टेबल नेटवर्क है, ये मेरा आउटसाइड नेटवर्क जो है मेरे लिए टस्टेबल नहीं है, और ये जो डीएमजेड जो इंटरफेस होता है, जैसे फायरवॉल के साथ तीन इंटरफेस आप लोग कनेक्ट करते हो, तो ये मान लो सर्वर की साइड का जो कनेक्शन होता है जहाँ से आपको डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपके लिए मान लो 50% आपका इसके साथ ट्रस्ट है भी और नहीं भी है, तो 50% आप लोग यहाँ पे मान सकते हो। तो मैं ऐसे यहाँ पे डुप्लीकेट बना के डीएमजेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो डीएमजेड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ, ये मेरा डीएमजेड इंटरफेस है, डीएमजेड। और जो भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, राउटर के ऊपर मैंने कुछ मतलब कुछ नहीं किया था, सिर्फ नॉर्मली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था, और जो भी मैंने कुछ किया है वो फायरवॉल के ऊपर किया है। अब ये जो मेरा इनसाइड नेटवर्क है ये मेरे लिए 100% ट्रस्टेबल नेटवर्क है, तो इसके ऊपर मैं सिक्योरिटी लेवल चेंज करना चाहता हूँ, मतलब 100% सिक्योरिटी रखना चाहता हूँ, तो सिक्योरिटी लेवल मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कैसे चेंज कर सकता हूँ, उसी इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है, और यहाँ पे लिखना है सिक्योरिटी लेवल, और यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल के लिए 0 to 100 आएगा, तो मैं यहाँ पे मान लो 100 डाल देता हूँ। ठीक है, तो सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ शो शो रनिंग कॉन्फिग, और इंटरफेस का नाम क्या था, इंटरफेस इथरनेट 0, इधर मैं एंटर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी लेवल क्या हो गया, 100 हो गया। तो सिक्योरिटी लेवल काम कहाँ पे आएगा, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और डिसीजन फायरवॉल कब लेगा सिक्योरिटी लेवल के लिए, तो वो भी सारी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ही आप लोग फायरवॉल के ऊपर जितने भी इंटरफेसेज हैं इन सभी के ऊपर सिक्योरिटी लेवल चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नंबर आप लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो भी मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो भी आप लोग नाम डालना चाहते हो तो सेम कमांड आप लोगों ने यूज करना है, नेम इफ, और जो भी आप लोग नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जिससे आप लोगों को पहचान रहे कि नेटवर्क के अंदर इनसाइड नेटवर्क आपका कौन सा है, आउटसाइड नेटवर्क कौन सा है, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन जो भी आप लोग रखना चाहते हो तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं, और फायरवॉल के ऊपर क्या क्या चीजें आप लोग चेंज कर सकते हो। और ऐसे ही मान लो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर देते हो, इसके ऊपर भी जैसे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फिगर कर दिया, और इसके ऊपर भी आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फिगर कर दिया, और देन आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाने जाओगे तो आपका इंटरफेस काम नहीं करेगा। इसके लिए आप लोगों ने जितने भी इंटरफेस हैं उन सभी के ऊपर आप लोगों ने नाम मेंशन करना है, तभी आपका इंटरफेस काम करना स्टार्ट करेगा फायरवॉल के ऊपर, देन आप लोग कनेक्टिविटी चेक करोगे तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। और सिक्योरिटी लेवल आप लोग जो भी मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करें कि सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे काम क्या आ रहा है।
तो मान लो इस राउटर से इस राउटर के ऊपर आप लोग यहाँ पे कोई डेटा शेयर करना चाहते हो, तो फायरवॉल से कोई डेटा क्रॉस करता है तब यहाँ पे फायरवॉल चेक करता है सिक्योरिटी लेवल्स कि जिस टाइप की आपने पॉलिसीज लगा रखी है और क्या क्या पॉलिसीज हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर और होती है, तो स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में हम जानते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए ज्यादा कुछ मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बस ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या चीजें हम इसके ऊपर और चेंज कर सकते हैं, तो सारी चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को फायरवॉल के ऊपर। ठीक है, तो फायरवॉल के ऊपर और क्या क्या चीजें हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फायरवॉल के ऊपर हम आईपी एड्रेसेस डालते हैं, जैसे राउटर के ऊपर जैसे नॉर्मली हम डालते हैं आईपी एड्रेस, तो ऐसे ही हम फायरवॉल के ऊपर डालते हैं, जो ही सेम प्रोसेस हम राउटर के ऊपर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईपी एड्रेस इसके साथ आप लोग ठीक है जो भी एड्रेस डालते हो, जैसे मैं यहाँ पे 60.0.0 डालता हूँ, 0.1 डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तब भी एक्सेप्ट करेगा, मैंने सबनेट मास्क नहीं डाला है, राउटर तो एक्सेप्ट नहीं करता है लेकिन फायरवॉल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे आपने सबनेट मास्क नहीं डाला है तो ये क्लास फुल एड्रेस जिस क्लास का है, आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है, क्लास ए का, तो इसका सबनेट मास्क ये बाय डिफॉल्ट उठा लेगा। आप लोगों ने नहीं भी मेंशन किया ना, तो ये बाय डिफॉल्ट इस इंटरफेस के ऊपर उठा लेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फिग और इंटरफेस का नाम क्या है, इंटरफेस इथरनेट 0। जैसे मैं एंटर करता हूँ, मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या डाला था 60.0.0.1 और इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबनेट मास्क उठा लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगेन आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ, आईपी एड्रेस मैं क्लास बी का डाल देता हूँ या क्लास सी का डाल देता हूँ, 192.168.1.1 डाल देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो अब ये कौन सी क्लास का सबनेट मास्क उठा लेगा, क्लास सी का, जो क्लास फुल एड्रेस है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगेन वही कमांड चलाता हूँ, शो रनिंग कॉन्फिग और इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लास सी का उठा लिया ना इसने। और आप लोग जैसे ऐसा करते हो कि मान लो आईपी एड्रेस और इसके बाद सबनेट मास्क देते हो 255.255.255 और यहाँ पे 252 डाल देते हो, मैं एंटर करता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे क्लास फुल नहीं उठाएगा, जो आपने मेंशन किया है ना उसी को लेगा। तो अगेन मैं आप लोगों को कमांड चला के दिखा देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फिग इंटरफेस इथरनेट 0, जब मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चेंज हो गया ना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और बाकी के जितने भी इंटरफेसेस आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके ऊपर सिक्योरिटी लेवल आप लोग चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जो भी मेंशन करके रखना चाहते हो, मान लो ये आपके लिए 0% ट्रस्ट है इसके ऊपर, इसके ऊपर 100% है, इसके ऊपर 50% है, तो इसी इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है और नेम इफ लिखना है तो आप लोग नाम चेंज कर सकते हो, और सिक्योरिटी लेवल चेंज करना है तो सिक्योरिटी लेवल, और जो भी नंबर आप लोग यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं बता देता हूँ, मान लो आप लोगों ने होस्ट नेम चेंज करना हो, इसके लिए होस्ट नेम और जो भी आप लोग यहाँ पे होस्ट नेम डालना चाहते हैं, जैसे ASA मैं 1 डाल देता हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ही आप लोग जो भी होस्ट नेम डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम धीरे धीरे फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जानते रहेंगे, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस जरूर करते हुए जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड लगाया नहीं है, तो यहाँ पे पासवर्ड क्यों पूछता है, क्योंकि भाई ये सिक्योरिटी डिवाइस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है। आप लोग इसे हटाना चाहते हो, हटेगा नहीं, आप लोगों ने पासवर्ड नहीं भी मेंशन कर रखा है, डायरेक्ट एंटर करोगे तो ये प्रिविलेज मोड के ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना चाहते हो तो कैसे मेंशन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाना है और यहाँ पे मैं इनेबल क्या डालता हूँ, इनेबल इनेबल पासवर्ड डालता हूँ, और जो भी पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डालना चाहते हो, जैसे 1 2 3 1 डाला, तो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो गया। एग्जिट करके मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा तो अब ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा, पूछ रहा है ना पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, 1 2 3 मैंने डाला था, देन एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, पासवर्ड को हटाना चाहते हो आप लोग तो हटा सकते हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे पासवर्ड कैसे हटाऊंगा, नो इनेबल पासवर्ड, जैसे हम राउटर के ऊपर हटाते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है, बस नो लगा देना, तो आपका पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करना सीखा है, डायरेक्ट आपका इंटरफेस फायरवॉल के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए आप लोगों ने नेम इफ आप लोगों ने कमांड चलाना है और सभी इंटरफेसेस के ऊपर आप लोगों ने नाम मेंशन करना है और सिक्योरिटी लेवल आप लोग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे मेंशन की है और सारी चीज़ आप लोग मतलब यहाँ से आप लोग पिंग करके देखना चाहते हो इस वाले इंटरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग पिंग करना चाहते हो 20.2 से 20.1 के ऊपर तो भी पिंग कर सकते हैं, और 10.1 से आप लोग पिंग करना चाहते हो 10.2 के ऊपर तो भी आप लोग पिंग करके देख सकते हो। लेकिन आप लोग यहाँ पे 10.1 से 20.2 के ऊपर आप लोग पिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में हम जानते रहेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए बस इतना ही, जितना मैंने आप लोगों को करवाया बस इसकी प्रैक्टिस जरूर आप लोगों ने करना है, कुछ बहुत ज्यादा चीजें हमने कवर नहीं की हैं, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ बस आप लोगों ने उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तभी आप लोगों को आगे की चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और जो भी आप लोगों को डाउट लगता है तो कमेंट में एक बार बता दिया करो मेरे को। ठीक है,
और एक बार ऐसा किया करो कि वीडियो को दोबारा से देख लिया करो, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे बता दिया करो, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।